दुनिया में सबसे रहस्यमय पोत का नाम शायद एक पनडुब्बी है, क्योंकि वह दिखाई नहीं पड़ता। पनडुब्बी वस्तुतः एक डूबता हुआ युद्धपोत है, जिसका मुख्य कार्य अंतिम झटका के साथ दुश्मन को हराना है। हम में से ज्यादातर लोग पनडुब्बियों के अंदर और इसके तकनीक के बारे में नहीं जानते। आज हम बताएंगे कि कैसे काम करते हैं एक पनडुब्बी और क्या क्या होते हैं पनडुब्बियों के अंदर में। तो चले आज पनडुब्बियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, आप देख रहे हैं रणनीति। वीडियो प्रारंभ करने से पहले दोस्तों हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस चैनल में अपलोड किया हुआ कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। पनडुब्बी में कई बैलास्ट टैंक होता है। उस टैंक में पानी घुसाने से पनडुब्बियां भारी हो जाती हैं। तब पनडुब्बियां पानी में डूब जाता है। फिर यदि आवश्यक हो तो उन टैंकों से पानी निकालकर हवा भरकर हल्का किया जाता है, तब पनडुब्बी पानी के सतह पर तैरता है। दो ऑक्सीजन जनरेटर पानी से ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। टैंक में ऑक्सीजन जमा हो जाती है। कंप्यूटर पनडुब्बी के अंदर ऑक्सीजन की कमी को सूचित करता है। पनडुब्बी में आवश्यकता अनुसार टैंक से शुद्ध ऑक्सीजन निकलती है। सोडा लाइम डिवाइस पनडुब्बी के अंदर उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। डिवाइस के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। पनडुब्बी में नमी को अवशोषित करने वाला उपकरण होता है, जो नाविकों के शरीर से निकलने वाले जल वाष्प को अवशोषित करता है। आवश्यकता के अनुसार आसवन विधि द्वारा समुद्री जल को शुद्ध करके प्रतिदिन 10,000 से 40,000 गैलन शुद्ध पानी का उत्पादन किया जाता है। पनडुब्बियां परमाणु ऊर्जा और डीजल इलेक्ट्रिक पर चलती हैं। डीजल के साथ जनरेटर चलाकर एक विशाल बैटरी चार्ज दिया जाता है। बैटरी द्वारा एकत्र की गई शक्ति से पनडुब्बी के विभिन्न उपकरणों चलती है। एक पनडुब्बी को कई कक्षों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि नियंत्रण कक्ष, सहायक मशीनरी स्थान, बैटरी डिब्बे, चालक दल की रहने की जगह आदि। नियंत्रण कक्ष में सोनार कक्ष, रेडियो कक्ष, टॉरपीडो कक्ष शामिल हैं। नियंत्रण जहाजों, हवाई जहाज, अंतरिक्ष यान के नियंत्रण कक्ष से बाहर को देखा जा सकता है, लेकिन पनडुब्बी का नियंत्रण कक्ष वाहन के बीच में है, इसलिए वहां से कुछ भी नहीं देखा जा सकता है। तो पनडुब्बी के सामने क्षेत्र की त्रिआयामी तस्वीर खींचने के लिए सोनार रूम से एक ध्वनि तरंग निकलती है। उस चित्र से आसपास के वातावरण को समझा जाता है। यदि हमलावर का कोई डर नहीं है तो पेरिस्कोप को पानी से कुछ फीट नीचे से उठा लिया जाता है। डिवाइस का उपयोग चारों ओर देखने के लिए किया जाता है। आकार के आधार पर एक पनडुब्बी 50 से 135 नाविकों और अधिकारियों को ले जा सकती है। पानी के नीचे नाविकों को आमतौर पर 60 से 70 दिनों के लिए एक मिशन में रहना पड़ता है। पनडुब्बियों से शत्रु के पनडुब्बी, युद्धपोत या कोई भी भूमि आधारित लक्ष्य पर हमला किया जा सकता है। इस काम के लिए एक पनडुब्बियों में टॉरपीडो, माइंस, क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल होता है। ऐसे ही एक पनडुब्बी बनते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक युद्धपोत। अगले वीडियो में हम बताएंगे कैसा होता है पनडुब्बियों के अंदर का जिंदगी। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।